शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द के द्वारा ईश्वर ने सब कुछ बनाया, उसी शब्द के द्वारा आज असंख्य मानवों की मुक्ति होती है, नवनिर्माण होता है। मुक्ति का संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबको पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए लाभप्रद है। इस दुनिया में अधिकतर लोग चिंतित हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। हम सबके हृदयों में और मनों में बहुत ज्यादा ही आशंकाएं हैं। हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। मैं सोचता हूं कि ये जानना अनिवार्य है कि हमारे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कौन कौन सी बातें सहायक हैं और कौन कौन सी बातें सहायक नहीं हैं। बाइबल के निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझको प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। बहुत सुंदर बात है। प्रभु कहते हैं, जो मुझको प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया करता हूं। अर्थात यदि हम ईश्वर को प्यार करेंगे और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो 1000 पीढ़ियों को हमारे द्वारा आशीष प्राप्त होगी। ठीक इसके विपरीत उसी अध्याय के वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड दूंगा। हम जो भी बुरे कार्य करते हैं उसका परिणाम भी हमारी संतति, हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। हमें बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 3 में आदि मानव के पतन के बारे में पढ़ने को मिलता है। आदम और हेवा ने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका परिणाम क्या था? आदम और हेवा ने अपने में महसूस किया कि वे नंगे हैं और वे छिपने लगे, ईश्वर से डरने लगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे। इतना ही नहीं, हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा के पाप के कारण जिस भूमि पर आदम मेहनत करता था उस भूमि, उस जमीन को ईश्वर ने अभिशाप दिया। हमारे पापों का असर हम तक सीमित नहीं रहता है। जहां पर हम काम करते हैं उसका असर उस पर पड़ता है, हमारे घर परिवार पर और घर परिवार के परिसर पर पड़ता है। जो काम काज हम करते हैं हमारे पापों का असर उस पर पड़ता है, हमारे घर के हर एक सदस्य पर पड़ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, पाप का एक सामाजिक पक्ष भी होता है। इतना ही नहीं, हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा के पाप का असर उनकी संतति पर पड़ा। उनके दो बच्चे थे, काइन और हाबिल। काइन ने हाबिल की हत्या की। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे हर एक भले और बुरे काम का असर न केवल हम तक सीमित रहता है बल्कि आगामी पीढ़ी पर पड़ता है। हमें सत्य को जानना जरूरी है। हमें सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 और 12 में राजा दाऊद के पतन के बारे में पढ़ने को मिलता है। राजा दाऊद ईश्वर के द्वारा इसराइल पर नियुक्त सबसे सशक्त, सामर्थ्यवान, यशस्वी राजा थे और प्रभु ईश्वर ने राजा दाऊद को अपने दुश्मनों पर अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, यश दिया और जीत दी। लेकिन राजा दाऊद ने पाप किया, अपराध किया, अपने ही एक सैनिक की पत्नी के साथ रमण किया और उसको अपने वश में करने के लिए उसने अपने उस सैनिक को मरवा डाला। इतना बड़ा अपराध किया राजा दाऊद ने। और आपको मालूम उसका नतीजा क्या है? ईश्वर ने राजा दाऊद को दंड दिया। नबी नाथान के द्वारा ईश्वर ने कहा, तलवार तुम्हारे घर से कभी भी दूर नहीं रहेगी, तलवार तुम्हारे घर से कभी भी दूर नहीं रहेगी। और उस समय से राजा दाऊद का पतन शुरू हुआ। बाप ने पाप किया, पूरे परिवार पर उसका असर पड़ा, पूरा राज परिवार छितरा गया। राजा दाऊद के एक पुत्र अमनोन ने अपनी बहन तामार के साथ बलात्कार किया, दूसरे पुत्र अब्सलोम ने अमनोन की हत्या की। और इतना ही नहीं,
एब्सलोम अपने ही पिता राजा दाऊद की हत्या करने के लिए कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। राजा दाऊद को अपने ही पुत्र से भागना पड़ा। बाप ने पाप किया, उसका असर संपूर्ण परिवार पर पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, आज जब धन की होड़ है, धन कमाने की होड़ है, हम ना जाने कितने अपराध कर बैठते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता है, उसके परिणाम के बारे में एहसास नहीं होता है। घूस लेने वाला सोचता है कि मैं अपने परिवार के लिए लेता हूं और सभी लोग ऐसा ही किया करते हैं। चोरी करने वाला सोचता है कि मैं अपने बच्चों का भविष्य सुदृढ़ बनाना चाहता हूं। लूटने वाला सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए भविष्य बना रहा हूं। गरीबों का शोषण करने वाला सोचता है कि मैं अपने ही भविष्य को बना रहा हूं, लेकिन सत्य यह है कि वे अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 61 उसके वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, मैं अन्याय और लूट से घृणा करता हूं। प्रभु का वचन सुनिए, प्रभु कहते हैं कि मैं अन्याय और लूट से घृणा करता हूं। अन्याय और लूट से प्राप्त धन ईश्वर की दृष्टि में घृणित है, शोषण से प्राप्त धन ईश्वर की दृष्टि में घृणित है, चोरी से प्राप्त धन ईश्वर की दृष्टि में घृणित है, घूसखोरी से प्राप्त धन ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। और ये भी जाने, जहां ईश्वर की दृष्टि में घृणित धन पहुंचता है, उसके साथ साथ दंड भी पहुंचता है। अक्सर हम अपने बच्चों के लिए धन कमाते हुए अनुग्रह नहीं बटोरते हैं, बल्कि उनके लिए बोझ और अभिशाप बटोरते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में प्रभु का वचन कहता है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। कितना सुंदर और सशक्त वचन है। प्रभु कहते हैं, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। मैं एक सरकारी ठेकेदार को जानता हूं। उन्होंने बहुत कमाया, उनके पास कई गाड़ियां हैं, काफी संपत्ति है, बैंक में काफी पैसा है, उनका एक ही पुत्र है और उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा उसे दी, अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़वाया। उसके बाद जब उसे नौकरी लग गई अमेरिका में, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज वो एक गंभीर भयानक मानसिक रोगी है। शोक ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है, हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर चुके हैं और हम उनके अपराधों का फल भोग रहे हैं। ये सत्य है। वचन कहता है, हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर चुके हैं और उनके अपराधों का फल हम भोग रहे हैं। आज बहुत से लोग अपने पूर्वजों के अपराधों का फल भोग रहे हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घरों में कई प्रकार की विपत्तियां आती हैं, कई घरों में व्यवसाय नहीं चलता है, एक के बाद एक व्यवसाय शुरू करते हैं लेकिन व्यवसाय आगे नहीं बढ़ता है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घरों में एक के बाद एक अपंग बच्चे उत्पन्न होते हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घर पे कभी भी शांति नहीं बनी रहती है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घरों में एक के बाद एक व्यक्ति मानसिक रोगी बनता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर पे कोई जानवर नहीं टिकता है। तो इस प्रकार के कई प्रकार की विपत्तियों की सूची कभी कभी हमारे सामने रखी जाती है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग भी इस प्रकार का अनुभव करते होंगे। हम पढ़ते हैं बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया, इसलिए हम विपत्तियों के शिकार बने। मैं इस वचन को एक बार और पढ़ना चाहता हूं। वचन कहता है, हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया, इसलिए हम विपत्तियों के शिकार बने। ये एक सत्य है। हमारे पूर्वजों के पापों का असर हम पर पड़ता है, इसलिए हमें अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने पूर्वजों के पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। हम पवित्र बाइबल में बार बार इसके बारे में पढ़ते हैं। नबी दानियल के बारे में हम पढ़ेंगे। नबी दानियल इसराइल पे पड़ी विपत्तियों को देखते हुए अपने पूर्वजों के पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगते हैं। इसी प्रकार कई लोग हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पूर्वजों के पापों के लिए माफी मांगते हैं। आज हमें अपने पूर्वजों के पापों के लिए माफी मांगने की जरूरत है। हम सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 3 उसके वाक्य 33 में इस प्रकार पढ़ते हैं,
सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 33 में पढ़ते हैं, दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। कितना सुंदर वचन है। प्रभु का वचन कहता है दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है किंतु वो धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। हमें सत्य को जानना अनिवार्य है, इस सत्य को अपने हृदय में ग्रहण करना अनिवार्य है, वरना आज इस होड़ में कई ऐसे अपराध कर बैठेंगे जिसका नतीजा हमारे आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। सवाल ये खड़ा होगा, हम क्या करें? सबसे पहले हम महसूस करें, ये जानें कि हमारे अपराधों का दंड हमारे बच्चों को भोगना जरूर पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, धन ही काफी नहीं है बल्कि धन पर ईश्वर की आशीष होना अनिवार्य है ताकि वो धन आपके और आपके परिवार की आवश्यकताओं में काम आए। अक्सर हम जो धन इकट्ठा करते हैं अपराधों के द्वारा, वो धन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बोझ है, अभिशाप का माध्यम है, अभिशाप का कारण है। लेकिन ईश्वर उनको अनुग्रह देता है जो ईश्वर पर भरोसा रखते हुए धन कमाते हैं। ईमानदारी से जो धन कमाता है वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अनुग्रह के रूप में उसे छोड़ जाता है। हम क्या करें? सबसे पहले हम अपराधों को छोड़ें, पापों को छोड़ें। धन कमाने के लिए जो हमारे अंदर होड़ लगी है, लालच लगा है, उसे बचे रहें। दूसरा, हम अपने पूर्वजों के पापों के लिए निरंतर प्रार्थना करें, उनकी तरफ से माफी मांगे, उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेममय ईश्वर, करुणामय ईश्वर, न्यायी ईश्वर, हम पर दया कर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, हमारी आगामी पीढ़ी को अनुग्रह प्रदान कर, उनके लिए हमें अनुग्रह का माध्यम बना दे।